पूरे भूया समाज, दलित समाज, यहाँ के मूल निवासी समाज, ममता भूया जी को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे, ये संकल्प ले रहे हैं। यही बोलकर हम लोग अपने विचार को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे माननीय मंत्री, हम राज्य के लोकप्रिय मंत्री सतीश सिंह सत्यनारायण भोक्ता जी आए अपने विचारों को। बोल लिए। माननीय मंत्री जी हम सभी को सभा को संबोधित करेंगे। माननीय मंत्री जी, बाकी लोग तो अनंत पे बने रहे हैं, ये गाड़ी छोड़ने जाएंगे, सब छोड़ी के बहनों ही मत चले जाइए। कोटलेस में साउंड दीजिए भैया, सरकार कोटलेस में। हेलो कोटलेस में साउंड दीजिए। हेलो कोटलेस में साउंड दीजिए। हेलो एक नामांकन सभा का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पलामू में किया गया। इस मंच पर आरजेडी के तमाम नेता, झारखंड आरजेडी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी इस मंच पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पलामू एक ऐसी सीट है, ऐसे में ममता भुइयां पर आरजेडी का दांव खेलना कहीं ना कहीं सफल साबित हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत के स्क्रीन पर। ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अधिकारी, झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले, मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी इस राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी सभा में मौजूद है। आपको बता दें कि आज पलामू लोकसभा क्षेत्र की आरजेडी प्रत्याशी ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन में उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। एक वक्त पर पलामू आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, ऐसे में ममता भुइयां पर आरजेडी का दांव खेलना कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर ममता भुइयां को सामने लाना आरजेडी मजबूत टक्कर दे सकती है बीजेपी के बीडी राम को। अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आइए आ गया, यही सही है मोहन जी। तो आप देख सकते हैं मंच पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद हैं। पुष्पगुच्छ देकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता को सम्मानित किया गया। ममता भुइयां मंच पर मौजूद और अब मंत्री सत्यानंद भोक्ता नामांकन सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आज के चुनावी सभा में अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी, पलामू जिला के जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा जी, गढ़वा जिला अध्यक्ष सूरज सिंह जी, जुआ अध्यक्ष रंजन यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभिभावक गौतम सागर राणा जी, इस लोकसभा के प्रत्याशी
श्री ममता भैया जी और मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्राधिकारी, जिला प्राधिकारी, प्रखंड के प्राधिकारी, संयुक्त रूप से जो हमसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम अदा करता हूँ, जो छोटे हैं उनका मेरे तरफ से आशीर्वाद। और इस सभा में आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मित्रों और सभागार में आए हुए हमारे भाई एवं बहनों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज ममता भैया जी का नामांकन था और उसी में हम लोग कार्यक्रम में शिरकत कर लाए हैं। और हमारे बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और भाई बिरेंद्र जी जो मेयर के विधायक हैं, अभी आप लोगों को अपने विचार को रखा है। सभी लोग जानते हैं कि 13 मई को पलामू लोकसभा में मतदान होना है और ये कोई पहली मतदान नहीं, क्योंकि आप लोग कई बार लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायत चुनाव का आप लोग मतदान किए हैं, कई लोगों को आप लोगों ने जिताए हैं, विशेष ट्रेनिंग की आप लोगों का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं 10 बजे से और अभी 4 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो सामने दूसरे लोग भी वोट मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं, जो 10 वर्षों से यहां पर सांसद हैं, 10 वर्षों में भारत सरकार ने जो भी घोषणाएं की, एक भी धरातल में काम अभी दिखाई नहीं दे रही है। गांव में सड़क नहीं, गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, जो मूलभूत सुविधा से गांव वंचित है, और 10 बरस मौका मिला उसके बाद भी यहाँ पर एक भी पलामू लोकसभा में विकास कार्य नहीं हुआ। बड़े बड़े नारे दिए गए थे 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई कम करने वाले हैं और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले हैं, 15-15 लाख रुपया खाते में से भी काला धन ला करके देंगे, कई तरह के वादा किए। लेकिन 60 महीना के मुगत मंगा गया था, 60 महीना मुझे समय चाहिए, 120 महीना गुजर गया, गरीब भूखे से गुजर गया, एक भी भारत सरकार का काम धरातल में नहीं है। यहाँ तक कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो मॉडल रेग्नो विलेज के रूप में विकसित करना था, उन गांवों में भी अभी तक न कुआं बना, न चुआ बना, एक भी काम जो जो वादे किए गए थे बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के, ग्रीन सिटी के, कोई भी काम नहीं हुआ। और अभी फिर कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। आप लोग आकलन कीजिए, जब 10 साल एक बार नहीं 2 बार उनको मौका दिया गया, 10 वर्षों में जब पलामू लोकसभा का विकास नहीं हुआ, तो फिर हम मौका उनको क्यों दें। आपके बीच लोकप्रिय, मेहनत करने वाले, संघर्षशील जो आपके प्रत्याशी हैं ममता भैया जी, इसको आप लोग भारी मतों से यहाँ से जिताइए, ताकि पलामू में जो विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और युवाओं को जो हक और अधिकार चाहिए, कोई लड़ के दिला सकती है, आवाज उठा सकती है तो ममता भैया लोकसभा में। इसलिए आप लोग सब मिल करके भारी मतों जिताइए और भारत सरकार के कई यहाँ पर अभिनेता आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन 10 बरस झूठ सुनते सुनते हम लोग सब परेशान हैं। जुमला पर विश्वास मत कीजिए, अभी झारखंड में गठबंधन की सरकार है माननीय चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में, अगर गरीब के कोई विकास के काम किया, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अब वो आवास हो, इसके साथ साथ सरकारी, गैर सरकारी कई विभागों में हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया है। हम लोग 4 वर्षों में विकास का एक मिसाल पेश किया। अगर पूरे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को पूरा कार्यों का आकलन करेंगे, माननीय चंपा सोरेन जी के कार्यों का आकलन करेंगे, तो जो इन्होंने 16-17 बरस झारखंड में शासन किया, एक भी काम गरीब के लिए नहीं हुआ। उस समय भी लोग आते गए, जाते गए, बोलते गए, अभी अपने जो 10 वर्षों का उपलब्धि है उस जनता के बीच नहीं बताते हैं, आएंगे खाली दूसरे को विरोध
कि सरकार एक कर रही है, सरकार वो कर रही है, आप जो 10 वर्षों में क्या किया ये आपको बताना चाहिए। इसलिए आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहते। मैं एक आध को सुनाना चाहता हूँ कि चूँकि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है तो इसमें कहना चाहता हूँ कि अब हम नहीं सहेंगे महंगाई और भ्रष्टाचार, अब हम नहीं सहेंगे महंगाई और भ्रष्टाचार, जनता के साथ हो रहा अत्याचार। अब की बार पलामू लोकसभा में ममता भुइयां 2 लाख पार, क्योंकि सब लोग सब त्रस्त है इसके साथ, उनके साथ एक बार को गठबंधन में कौन है वो जान रहे हैं। क्या है जी, आसू पार्टी, एक तरफ कुआं बा एक तरफ खाई बा, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, और बीच में महागठबंधन के नेता हमारे चंपा सोरेन भाई है। सब लोग मजबूती के साथ एकजुटता के साथ सभी लोग महागठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताना है, और बगल में चतरा भी है, इतना आबादी चतरा और पलामू में भोगतार भुइयां का है, मैंने कहा कि चतरा से भोगतार पलामू से भुइयां, ममता भोगता भुइयां बोल रहा है और दो सिंहासन डोल रहा है, पूरा इतना आबादी है, पूरा भरा हुआ है, जिधर जाइए चंदवा बालूमाथ खाली, कोई गांव जाइए खाली भुइयां भोगता, खाली भुइयां खाली भोगता, इतना पॉपुलेशन है कि खाली सब लोग जाग चुका है और हक अधिकार समझ चुका है, सभी लोग एकजुट होकर के मतदान करेंगे तो चतरा भी हम लोग भारी मतों जीतेंगे और पलामू भी जीतेंगे। और अभी जो है बातें बहुत है, अभी कई सभाएं होनी है, हम माननीय उप मुख्यमंत्री रहे हमारे माननीय तेजस्वी जी, हम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ कई कार्यक्रम होगा, फिर आप लोगों के बीच चुका तो नामांकन है, उसके बाद फिर कई तरह के भाषण, कई तरह के सुझाव, कई तरह के आग्रह किए जाएंगे और हमारे बीच कई लोग बोलने वाले हैं, तो ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। और करने की अपील की है, साथ ही उन्होंने कहा है पलामू की जनता से कि इस बार ममता भुइयां को संसद भेजना है और तमाम अति पिछड़ों की आवाज बनाना है, और जो समस्याएं हो रही हैं ममता भुइयां अगर जीत की जाती है तो समस्याओं को पटल पर रखेंगे और जनता के समस्याओं को ठीक करने का काम करेंगी। आप सभी को जोहार। आज के इस सभा के सभापति महोदय एवं इस मंच पर आसीन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो अभी यहाँ से विदा ले चुके हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी, जेएमएम जिला अध्यक्ष बड़े भैया राजेंद्र सिन्हा जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बड़े भैया जयस रंजन पाठक जी, भाई वीरेंद्र जी, पूर्व विधायक छोटे राजा साहब, पूर्व मंत्री जो हमारे जेठ जी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ जी, माननीय मंत्री आरजेडी सत्यानंद भोक्ता जी, चतरा महिला अध्यक्ष सरदा देवी जी, कांग्रेस महिला पलामू अध्यक्ष इंदु भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजा झारखंड अनीता देवी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम दास यादव जी,
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जमरुद्दीन अंसारी जी ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष, रामनाथ चंद्रवंशी जी पलामू जिला अध्यक्ष, बड़े भैया मोहन विश्वकर्मा जी, सोनू सिद्दीकी जी, रुना देवी जी एवं समी अहमद जी, तनवीर भैया एवं इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम गार्जियन एवं ज्येष्ठ नेतागण, सभी को हार्दिक अभिनंदन चरण स्पर्श और जोहार करती हूँ। 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुछ लोग इस चुनाव को पर्व बता रहे हैं और हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पर यह चुनाव पर्व नहीं है। यह चुनाव तो देश का उज्जवल भविष्य के निर्माण एवं देश की दशा और दिशा तय करने की 5 साल के लिए एक अच्छी सरकार गठन करने के लिए हो रहा है। पहले जो चुनाव होता था तो मुद्दे पर बात होती थी, जैसे गरीबी हटाओ और आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे का नारा लगता था, पर आज मन की बात और मोदी की गारंटी की बात यह कैसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।